हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत, आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों आजकल थोड़ा बिजी हूँ मैं, जैसे आप लोग बिजी हो उसी तरीके से आपका भाई भी बिजी है, तो वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं कि अगर आप सिंगापुर में रिसेंटली अभी अगर आप सिंगापुर ट्रैवल करते हैं एज ए स्टूडेंट, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने चाहिए और इंडिया के इमिग्रेशन या सिंगापुर के इमिग्रेशन पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आज ये भी बात करने वाला हूँ कि सिंगापुर में अभी भी क्या ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या ऑफलाइन हो गई हैं, जो भी है आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो चैनल पर नए जाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, राइट नाउ बिल्कुल फ्री है गाइस, क्योंकि आपको इसी चैनल से इसी वीडियो से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। बता दें कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक लाइव पर ज्वाइन और फॉलो नहीं किया, जाकर अभी करें। इन तीनों का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, इस पर सलाह मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर ज्वाइन करें। अगर आप मुझसे और मेरे भाई से बात करना चाहते हैं, अपना सिंगापुर का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे और मेरे भाई से बात कर सकते हैं। मेरे और मेरे भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर इस पर सलाह हमसे और हमारे भाई से बात कर सकते हैं। आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप रिसेंटली ट्रैवल कर रहे हो या सिंगापुर में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले हो, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूँ कि अगर आप सिंगापुर में एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं या टूरिस्ट आ रहे हैं, आपके वर्क परमिट वाले आ रहे हैं सिंगापुर में, ठीक है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरी है, सबसे पहले मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले जो होता है हमारा इंटरनेशनल आईडी कार्ड, जिसको बोलते हैं पासपोर्ट। इंटरनेशनल वो है, वो हर कंट्री में काम करता है। तो पासपोर्ट एक नंबर पे है, उसके बाद आपका वीज़ा, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वर्क परमिट वीज़ा हो। वीज़ा के बाद होती है टिकट, चाहे किसी के लिए हो, और टिकट के बाद आता है एसजी अराइवल कार्ड, ठीक है, वो वर्क परमिट वालों के लिए भी है, टूरिस्ट वालों के लिए भी है और स्टूडेंट वालों के लिए भी है। तो ये चार डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट और एसजी अराइवल कार्ड। ये चार जो है वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप सिंगापुर ट्रैवल करते हैं, तो इनको आपको हैंड में रखना है, आपको अपने हाथ में पकड़ के रखना जब तक आप सिंगापुर नहीं पहुंच जाते। बीच में अगर आप जब फ्लाइट में बैठे तो आप अपने हैंड कैरी बैग में भी रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट्स जो लेने हैं वो लेने हैं एक्स्ट्रा में, इन केस कोई भी पूछ सकता है। अगर आप काम करने के सिलसिले पर आ रहे हो तो कंपनी का जो लेटर आता है, कंपनी से लेटर, कन्फर्मेशन लेटर और कोई मेल पड़ी हो तो उसका भी प्रिंट आउट करा लेना, ठीक। स्टूडेंट के लिए आपका ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ये दो डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं। एक ऑफर लेटर जो स्टार्टिंग में आता है, वीज़ा आने के बाद आता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर वगैरह इस पर साइन होती है, वो तो वो दो डॉक्यूमेंट्स आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। और जो टूरिस्ट वालों के लिए है, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, एसजी अराइवल कार्ड हो गया और वीज़ा हो गया, इसके अलावा रिटर्न टिकट हो गई, होटल बुकिंग सिंगापुर में, तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स टूरिस्ट वालों के लिए भी है, ठीक है। तो डाउट क्लियर हो गया ना कि चार इंपॉर्टेंट जो चार डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, पासपोर्ट, वीज़ा, एसजी अराइवल कार्ड और आपका और टिकट, ये चार डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं स्टूडेंट वालों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सवाल किस तरह के पूछ जाते हैं। अगर मैं अगर सिंगापुर जाऊँगा तो मेरे से क्या सवाल होते, नहीं पहली बार बंदा निकलता है, घबराहट होती है कि एयरपोर्ट पे कहीं इमिग्रेशन वाले रोक ना लें, यहाँ पे या वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन आपसे सिर्फ नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बताने वाला हूँ, जो बहुत लोगों से पूछे गए हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियो में भी शेयर किया है, जो मेरे स्टूडेंट्स आए थे उनका भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कॉलेज का नाम, ठीक है, जिस कॉलेज में आप पढ़ने आ रहे हो उस कॉलेज का नाम, अगर वो शॉर्टकट है तो उसको फुल फॉर्म भी आप निकाल के याद कर लेना, ठीक। दूसरा होता है कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है, डिप्लोमा कौन सा आपका, मॉड्यूल कौन सा है, डिप्लोमा में क्या करना है। अगर आप एडवांस कर रहे हैं तो एडवांस बताओ कि एडवांस डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एडवांस डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी रिटेल सप्लाई चेन मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट। इसी तरीके से डिप्लोमा में भी हैं कि अगर आप डिप्लोमा का कोई कोर्स करने आते हो तो डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी, डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन बिजनेस, डिप्लोमा इन रिटेल, डिप्लोमा बहुत सारे कोर्सेज हैं जो भी आप करने आ रहे हो। कॉलेज का नाम, डिप्लोमा का नाम, सिंगापुर में आप कहाँ रुकेंगे, तो वो एड्रेस आपके एसजी अराइवल कार्ड पे होता है। जो आपके पास एसजी अराइवल कार्ड होगा उसमें एड्रेस मेंशन होता है, उसी एड्रेस आप बताना कि मैं यहाँ रुकूंगा, ठीक। कभी कभी पूछ लेते हैं कितना पैसा लेके जा रहे हो आप, तो वो भी बताना जरूरी है कि मेरे पास $400-500 कैश पड़ा हुआ है, बाकी का जो अमाउंट है मेरे एटीएम में है, तो मैं वहाँ जाके विड्रॉ करूँगा टाइम टू टाइम, ठीक।
ये इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मैं बताने वाला हूँ आप लोगों से कि सिंगापुर एयरपोर्ट पे आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ना ही यहाँ पे कोई पूछता है। जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो इंडिया में, चाहे वो दिल्ली का एयरपोर्ट हो, मुंबई का हो, चेन्नई का हो, किसी भी स्टेट से अगर आप इंटरनेशनल आ रहे हैं तो आपसे ज़रूर पूछेंगे। टूरिस्ट वालों के लिए होता है कि भाई कितने दिन रुकोगे, तो आपके पास रिटर्न टिकट होती है, होटल बुकिंग होती है, आपको सब दिखा देना कि मैं कितने दिन रुकूंगा, 7 दिन 1 हफ्ता 10 दिन जो भी है, ये मेरा होटल है, यहाँ पे मैं रुक के फिर मैं चेकआउट करके वापस इंडिया, उसकी रिटर्न टिकट ये रही, तो ये दिखाना है। वर्क परमिट वालों के लिए सिंपल है भाई, आप अपना कंपनी का रूल्स फॉलो करें, जो कंपनी से बात करके आना, ठीक। तो ये क्वेश्चन होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे वापस भेज देंगे फलाना डम्बाना दुनिया भर की, कोई बात नहीं है। आप नॉर्मल से क्वेश्चन याद रखें, इंग्लिश थोड़ी आनी चाहिए भाई, इंग्लिश आएगी तभी आप यहाँ पे भी और वहाँ पे भी रिप्लाई कर सकते हो। अब जो मैं मेन टॉपिक माने वाला हूँ कि सर अभी भी सिंगापुर में क्या ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये क्वेश्चन मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन, क्योंकि आप सबको पता है कि यार कोई भी कॉलेज जाना नहीं चाहता है, ऑनलाइन के बहाने कुछ भी बहुत कुछ करते हैं, तो ऑनलाइन का तो एक सिर्फ नाम है, ठीक है, बट ऑनलाइन बहुत स्ट्रिक्ट है। आप ये मत सोचना इंडिया में बैठ के कि मैं वहाँ जाकर ऑनलाइन लगाऊंगा, अगर किसी एजेंट ने या किसी दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया है कि भाई ऑनलाइन लगाना, वहाँ जाकर ऑनलाइन तो बहाना होता है पार्ट टाइम जॉब करना, तो मैं बता दूं कि ऑनलाइन को आप इतने हल्के में मत लेना। ऑनलाइन में आपका चेहरा दिखना चाहिए, जब वो टीचर बोलेगा तो आपकी आवाज़ भी आनी चाहिए। अगर आपने कैमरा ऑफ किया तो आपको अब्सेंट, 4-5 अब्सेंट हो गए, उसके बाद आपको वार्निंग लेटर मिलने लगेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि आपको चेहरा दिखाना है, जब टीचर आपसे कुछ पूछेगा तो आपको आंसर देना है, अटेंडेंस जब लगाएगा तो आपको यस मैम यस सर भी बोलना है, अगर अटेंडेंस मिस हो गई तो आप मिस, क्योंकि सिंगापुर में अगर आप पढ़ने आते हैं तो 1 महीने में आपकी 100% अटेंडेंस कंपलसरी है, अगर 100% नहीं हो सकती तो 90% इज चाहिए, तो चाहिए हमको ICA को अटेंडेंस, ठीक है, 90%। तो मैं बताने वाला हूँ कि सिंगापुर में अभी कुछ, यानी कि 2-3 जो कॉलेज हैं, 3-4 बहुत सारे कॉलेज हैं जो मेरे नज़र में हैं, 4-5 कॉलेज वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मसला क्या है कि किसी किसी में 1 हफ्ता ऑनलाइन है, 2 हफ्ते ऑनलाइन है, बाकी के जो 1-2 हफ्ते बचे वो ऑफलाइन है, यानी कि एक मॉड्यूल में 4 हफ्ते होते हैं जिसमें से आपको 2 हफ्ते घर पर बैठे क्लास लगानी है ऑनलाइन और 2 हफ्ते आपको कॉलेज जाना है फेस टू फेस। तो फिजिकल क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। तो मेरा जो सजेशन यही है, अगर आप सिंगापुर पढ़ने आ रहे हो तो भाई ऑनलाइन तो छोड़ो, ऑनलाइन पे आप पढ़ भी नहीं पाओगे इतना। आप बोलोगे यार पढ़ने कौन आएगा, काम कर रहे हैं कि ये 3 घंटे क्लास होती है, कोई भी क्लास लेके आ जाओ भाई, थोड़ा आप जाओगे फेस टू फेस, जहाँ अगर आप फेस टू फेस मिलोगे तो आपको जानने को मिलेगा और लोगों से मिलने को मिलेगा कि हाँ भाई वहाँ जाते हैं, मेरे सीनियर होंगे, क्लासमेट भी होंगे, जूनियर भी आते हैं, सीनियर के भी सीनियर होते हैं, तो मिलने को मिलता है। तो मिलने से क्या होता है, लिंक बनता है, आपके कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं, तो ये है, वहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। बाकी आप समझदार हो, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट मिलने का क्या रीज़न है, ठीक। तो ऑनलाइन क्लासेस की जो फीस थोड़ी कम होती है, ऑफलाइन की थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको ऑफलाइन में जाना पड़ेगा, बट अभी जो क्लास जो भी मिले वो ले लो, क्योंकि वीज़ा भी अभी क्या है कि रिजेक्शन बहुत आ रहे थे, तो ऐसा ना हो कि ऑनलाइन के चक्कर में आपका भी रिजेक्ट हो जाए। जिनकी क्लासेस ऑनलाइन है ऑफकोर्स यार उनके तो चांसेस कम ही होंगे। तो यही था कि डॉक्यूमेंट्स क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या पूछ जाएंगे, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। बाकी अगर आप, मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, मेरा मानना है 10 कॉलेज में से 3 से 4 कॉलेज ऑनलाइन ऑफलाइन है, यानी कि 2 हफ्ते ऑनलाइन और 2 हफ्ते ऑफलाइन। बाकी जो 6 कॉलेज हैं, ये मैं मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जो 6 कॉलेज हैं वो सारे के सारे ऑफलाइन हैं, आपको जाना ही पड़ेगा कॉलेज। और जो ऑनलाइन भी चल रहे हैं ना, जैसे 2 हफ्ते 1 हफ्ते, ये भी आने वाले शायद नेशनल डे से पहले पहले सारे ऑफलाइन हो जाने हैं। ऑनलाइन का तो खाली बहाना है, क्योंकि कोविड के समय हुआ था, कोविड के समय किसी की स्टडी ख़राब ना हो, साल ना ख़राब हो, इस चक्कर में ऑनलाइन का ऑप्शन दिया, लोगों ने अपना डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि बहुत जल्दी आने वाले समय में, जिनमें अभी ये ऑफलाइन चल रहा है 1 हफ्ते 2 हफ्ते पूरे 1 महीने, वो अभी ऑफलाइन में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है गाइस। अब ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछना सर कि ऑनलाइन ऑफलाइन, मैंने सबका आंसर दे दिया यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको सिंगापुर का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, सिंगापुर आना है, तो भी आप मेरे और मेरे भाई से बात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर कुछ बताना भूल गया हूँ, समझाना भूल गया हूँ, तो व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पर लाइक करें, कमेंट करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।